देखिए गाइस, हमने बनाए मावा रसगुल्ले, कितने प्यारे और कितने यम्मी। आप कलर देख सकते हैं और जूसी तो इतना। और आपको आधा घंटा घंटा भर रखने की भी जरूरत नहीं है, बस बनाइए और एक तरफ डालते जाइए चाशनी में। तुरंत आप मुश्किल से 5 मिनट बाद आप इसको खा के देखें, बहुत दम माउथ मेल्टिंग रसगुल्ले बनेंगे हमारे। तो चलिए देखते हैं, इसको हमने मिक्सी से बनाया तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं अपनी ये रेसिपी। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं। देखिए गाइस, हमारा होममेड मावा ये हमने घर में बनाया, बट आप देख सकते हैं कि कैसा है, दानेदार। इसको अगर हम 10 मिनट नहीं, अगर इसको हम 30 मिनट भी इसको हम अगर रगड़े ना तो भी ये स्मूथ एकदम नहीं होगा। ये जैसे लग रहा है कि हमारा जो मावा दूध था वो फट गया है, इसी तरह से लग रहा है। तो दाने दाने कितने सारे दाने आए, तो इसको मसलने में बहुत टाइम जाने वाला है। तो ये देखिए, पहले हमने ट्राई किया फिर दिखाया कितना स्मूथ ये मावा है, देख सकते हैं आप। तो चलिए इसी तरह से इस, अब आप देख सकते हैं कि ये मावे में और इस मावे में कितना फर्क है। तो चलिए देखिए, एक हम टेक्निक बताते हैं, क्योंकि जब हम घर में ट्राई करते हैं फिर वही टेक्निक आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में और इसको देखिए हम क्या करते हैं। ये देखिए गाइस, ये आप जार देख सकते हैं, इसमें पहले से ही हमने मावा किया हुआ था, जो हमने पहले मावा ये दिखाया था ये मावा, तो इसको हम इसमें करेंगे। देखिए गाइस, हम आपके लिए पता एक्सपेरिमेंट करके ही चीजें लाते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी सी वीडियो हम प्रोवाइड करा सकें। तो इसको हम इसमें डाल देंगे और देखिएगा 5 मिनट नहीं लगेगा और आपका स्मूथ बिल्कुल मावा मिल जाएगा। तो इसको इसमें करते हैं और देखिएगा, इसको साइड में रखते हैं। ये देखिएगा गाइस, हमने बंद कर दिया ढक्कन। अब इसको हम 2 मिनट के लिए, पहले हम 1 मिनट इसको फेटेंगे अच्छे से, चला लेंगे मिक्सी में ही, देखना कैसा हो जाए। ये देख सकते हैं गाइस, 1 मिनट के लिए हमने इसको फेटा, तो ये कैसा हो गया, कुछ कुछ दाना हमारा खत्म हुआ है। लेकिन अभी और हम इसको फेटेंगे, फिर देखिए अभी 1 मिनट फेटा था, अभी 1 मिनट और फेटेंगे। ये देख सकते हैं गाइस, बिल्कुल एकदम चिकना स्मूथ हो गया, जैसा बैटर हमें चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है अभी दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं गाइस, हम 2 स्पून लेंगे मैदा, 1 और ये हुआ 2 स्पून। तो ये 2 स्पून मैदा है हमारा, इसमें हम ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, 2 स्पून डाला था, तो 2 स्पून और हम डालेंगे इसमें मैदा। ठीक है, इस तरह से। देखिए मैदे की क्वांटिटी हमारे जो मावा है उस पर डिपेंड करती है कि अगर पतला मावा होगा, ज्यादा मुलायम मावा होगा तो उसमें ज्यादा मैदा लगेगा, और उसमें कम होगा, थोड़ा टाइट वाला होगा तो उसमें टाइट लगेगा। ये देख सकते हैं गाइस, 1/4 हम डालेंगे इसमें अपना बेकिंग सोडा और अब इसको हम फिर से अच्छे से मिला लेंगे आपस में। गाइस सोडा ही डालें, अगर आप बेकिंग पाउडर डालते हैं तो उस जैसे कि जिन रसगुल्लों की ऊपर परत जैसी निकलने लगती है उसमें ये समस्या आ सकती है, इसलिए हम डालेंगे बेकिंग सोडा। देखिए गाइस, अगर मिक्सी में चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो आप चम्मच से ऐसे हिला दें, क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है ना, और फिर से इसको हम पीस लेंगे अच्छे से। ये देखिए गाइस, हो चुका है और इसको हम एक बॉल बना के देख लेंगे ऐसे से। तो ये बन रहा है, देखिए कितनी स्मूथ बॉल बन रही है। तो इसको हम इसी में फिलहाल डालेंगे और ये सारे हम आपस में इसको भी तोड़कर इसी में मिला लें, क्योंकि हमें एक साथ बनाना है। गाइस ये हमने पहले घर में ट्राई किया, फिर सोचा क्यों ना ये वीडियो हम आप लोगों के साथ भी शेयर करें, तो सारे बैटर को आपस में एक में ही मिला लेंगे। तो ये देखिए गाइस, इसको हम निकालेंगे अपना बैटर को और थोड़ा सा हाथ, बिल्कुल 2 मिनट खाली एक सार करना होगा, ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपका मावा थोड़ा सा ड्राई ज्यादा हो थोड़ा सा उसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं आप। तो ये देखिए गाइस, ये अभी आपको टाइट लग रहा होगा लेकिन टाइट नहीं है, बहुत स्मूथ बनकर बैटर तैयार हुआ है। ये देख सकते हैं गाइस कि हमें आधा मिनट भी नहीं लगा है, क्योंकि हमने सब सारा काम तो मिक्सी से ही कर लिया था, आधा मिनट भी नहीं लगा और कितना बढ़िया डो तैयार हुआ, एकदम मुलायम। तो इसको अब हम बनाएंगे, देखिए कैसे रसगुल्ले बनाते हैं। अपनी चाशनी इसको हम रखते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे कि थोड़ा सा और सेट होना होगा तो हो जाएगा हमारा। इसे हम ढककर रख देते हैं 10 मिनट के लिए, तब तक बना लेते हैं चाशनी। ये देखिए गाइस, ये जो हम मावा ले रहे हैं इसको हम अपने कटोरी में रखकर देखेंगे कि हमारा मावा कितना है, उसी हिसाब से हम लेंगे चीनी। तो ये देख सकते हैं इस तरह से करके पूरा 1 कटोरी, और ये देखें लगभग लगभग हमारा, देख सकते हैं ये दूसरी कटोरी,
और ये थोड़ा सा और, यानी ढाई कटोरी हमारा मावा है पूरा। तो हमें क्या लेना, कितना लेना है, जिससे कि हमारी चीनी भी, सॉरी गुलाब जामुन जितने भी बने वो सारे फूले रहे। तो देखिए कैसे, ये देख सकते हैं गाइस, ये एक कटोरी चीनी और ये दो कटोरी चीनी। अब एक कटोरी चीनी और लेंगे, क्योंकि हमें जितना हमारा मावा है उससे हमें थोड़ी सी ज्यादा ही चीनी लेनी है। ये देखिए, ये हो गई तीन कटोरी चीनी। तो हमने लिया हुआ तीन कटोरी चीनी। अब इसमें हम डालेंगे पानी, ये देख सकते हैं गाइस, एक कटोरी, और हमें लेना है तीन कटोरी पानी। ठीक है, दो, ये हुआ तीन कटोरी, तीन कटोरी चीनी, तीन कटोरी पानी। गाइस हमें इसकी चाशनी पतली बनानी है, तो थोड़ा सा और हम डाल लेंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया, मतलब साढ़े तीन कटोरी पानी कर लिया। अब इसके फ्लेम पर रखते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, हमने चाशनी चढ़ा दी है अपनी, तो हिलाते हुए हम इसे पकाएंगे। देखिए, चाशनी और रसगुल्ले हमने कई बार बनाने बताए हैं, आटे के रसगुल्ले बताए हैं, सूजी के रसगुल्ले बताए हैं, चावल के रसगुल्ले बताए हैं, तो उसमें भी चाशनी बताया है। तो अब इसको हम बीच बीच में ऐसे चलाते हुए पका लेंगे। ये देखिएगा, जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम इसकी बॉल्स बनाते हैं। तो ये ज्यादा बड़ा नहीं लेना है आपको, छोटा सा नींबू के आकार का छोटा सा लेना है, उसको गोल गोल राउंड राउंड बॉल बना लेनी है, या जैसे शेप आप चाहें वैसे भी बना लें। ये देखिए, इस तरह से हम बनाएंगे, ये देख सकते हैं, इसी तरह से बना लेंगे अच्छे से। पहले कस थोड़ा सा दबा देंगे हथेली से इस तरह से, फिर हम हल्के हाथों से इसको राउंड करेंगे, बिल्कुल चिकनी बॉल बना लेंगे। ये देख सकते हैं कितनी स्मूथ और कितनी चिकनी बॉल बनी है। तो इसी तरह से बना के सारे रखेंगे। ये देखिए गाइस, चाशनी हमारी लगभग बन चुकी है। ऐसे उंगली से टच करें और तेल जैसा चिकना लगे तो हमारी चाशनी बन चुकी है। तो ये हमारी चाशनी बन चुकी है, बंद करते हैं इसको और रखते हैं इसको। ये देखिए गाइस, हमारे गुलाब जामुन बनकर रेडी हैं। चलिए इनको फ्राई करते हैं। तो इसको ऐसे ढक कर रखना है क्योंकि हवा भी ना लगे, क्योंकि हमने एक साथ बना लिए, इसलिए अगर पपड़ी पड़ेगी तो ये फट सकते हैं, तो इस वजह से इसको ढक कर रखना है। तो चलिए चलते हैं। देखिए गाइस, हमारा ऑयल हो चुका है, तो इसमें हम एक छोटी सी बॉल बनाकर डालेंगे, देखेंगे कि कैसा हुआ है। तो ये देखिए, छोटा छोटा हल्का सा बबल्स आने लगे, तो मतलब ऑयल हो चुका है। तो अब देखिए गाइस, हम इसमें अपने तीरे से डाल देंगे, धीरे धीरे डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें धीमे फ्लेम पर ही पकाने हैं। एक बार में जितने आ जाए बस उतने ही डालने हैं, ज्यादा नहीं डालने हैं। ये देखिए गाइस, हमने डाल दिया है, तो अब हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, बहुत ज्यादा होगा तो हम इस तरह से हिला देंगे जिससे कि ये हमारे हिल जाए, बस और कुछ नहीं हम करेंगे, ठीक है। और देखिए गाइस, फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे, बिल्कुल हाई नहीं रखेंगे। तो इसको अब जब हमें हिलाना होगा तो हम कढ़ाई से ऐसे कर देंगे हाथ से, या फिर आप एक इस तरह से ले सकते हैं और हल्का सा, बिल्कुल हल्के हाथों से कर दें, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है इस तरह से। तो बिल्कुल धीमी फ्लेम पर ही हमें पकाना है। ये देखिए गाइस, आप फ्लेम भी देख सकते हैं, बिल्कुल लो है, इसी तरह हमें पकाना है। ये देखिए गाइस, इसीलिए हमने बोला था कि छोटे छोटे बनाए, क्योंकि कितने बड़े हो गए हैं साइज में और ये अपने आप घूम रहे हैं, हमको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। तो बस इसी तरह से धीमी फ्लेम पर पकने देना है। देखिए गाइस, अब लाल होने लगे हैं, तो इसको धीरे धीरे हम ऐसे हल्का हल्का रोटेट कर देंगे जिससे कि सब तरफ से ये रोटेट हो जाए। ये देख सकते हैं गाइस, हमारे बहुत अच्छे से गुलाब जामुन बन चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और निकाल कर इन्हें रखना नहीं है, बस तुरंत हमें चाशनी में ऐड कर देना है। ये देख सकते हैं गाइस, ये हमारी गर्म चाशनी है और गर्म चाशनी में ही इसको हमें डाल देना है। अब सेकेंड बैच के भी सेक लेते हैं। ये देखिए गाइस, सेकेंड बैच में भी हम उसी तरह से डाल देंगे, फ्लेम को बिल्कुल धीमी कर देंगे। ये देखिए गाइस, सेकेंड बैच में भी हमने डाल दिए हैं और फ्लेम को बिल्कुल लो इसलिए कर देना है क्योंकि पहला जो बैच सिका था उसकी वजह से हमारे कढ़ाई में जो रिफाइंड ऑयल है उसकी फ्लेम तेज हो गई है इस वजह से। तो सारे कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हमारा लास्ट बैच, तो इसको भी हम उसी में डाल देंगे। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको रेसिपी अपनी। ये देख सकते हैं गाइस, ओपन करके दिखाते हैं ये कि क्या हमारे गुलाब जामुन बने हैं। ये अब हम डाल रहे हैं साइड से, ये देखिए। और देखिए, आज सब लोग कहते हैं आधा घंटे 20 मिनट के लिए रख दो तब भर जाएंगे, बट अभी हम आपको दिखाते हैं जो हमारा पहला बैच पहली बार सीखा था उसका टेक्सचर। ये देखिए गाइस, जिनको पहले ही डाला था हमने, वो देख सकते हैं कितना बड़े बड़े हो गए हैं, बिल्कुल एकदम। अब देखिएगा, काट के भी दिखाते हैं कितना सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं अंदर तक जूस बिल्कुल भरा हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल भी हमने आधा घंटा या 20 मिनट के लिए नहीं रखा है।
देखिए आपके सामने ये लास्ट बैच हमने ये देखिए डाला है, अभी बिल्कुल वैसे के वैसा है, और ये पहले का बैच। तो आज की हमारी ये रेसिपी, चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए गाइज, आज की हमारी ये रेसिपी टेस्टी यम्मी डिलीशियस, बिल्कुल मुंह में घुलने वाले रसगुल्ले, मावा रसगुल्ले, बहुत आसानी से और बहुत ट्रिक से बताया है, जैसे हमने बताया बस वैसे ट्राई करिए और आपके रसगुल्ले बहुत अच्छे बनने वाले हैं, बिल्कुल आप दोबारा नहीं कहेंगे कि हम दुकान से लेके आएंगे। ये देखिए, ये देख सकते हैं कितना जूसी है और कितना यम्मी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बस गाइज, मैदे की क्वांटिटी आपके मावे पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर मावा सख्त होगा तो उसमें मैदा कम पड़ेगा, अगर मावा थोड़ा सा लूज टाइप का होगा तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा मावा पड़ेगा। पर बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। और गाइज मिक्सी में जैसे दाने अगर ज्यादा है मावे में तो आप मिक्सी में आराम से फेंट लीजिए, बहुत जल्दी बहुत यम्मी बनेगी। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।